जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी नेता पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों ने हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं उन सभी का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है, उन्हीं के क्षेत्र में मैं रहता हूं, उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा, उनके मार्गदर्शन से वहां पर हम भविष्य में कार्य करेंगे। और साथ ही आज होली की आप सभी मीडिया बंधुओं को, देशवासियों को बधाई देता हूं। मुझे लगता है जैसे महाभारत के लिए 5 पांडव निकले थे, महान भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के लिए ये 7 सिपाही आज दिल्ली से निकल पड़ेंगे इस देश में नरेंद्र मोदी जी का राज्याभिषेक करने के लिए। लड़ाई संघर्ष हमारा किसी विपक्ष से नहीं है, बल्कि इस देश में जो नीतियां हैं, जिसने इस अमीर देश को गरीब बनाया, उसके खिलाफ है हमारी लड़ाई। महंगाई के खिलाफ है हमारी लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ है हमारी लड़ाई, उस नारी के सम्मान और सुरक्षा के लिए है हमारी लड़ाई, उस हर देश के नागरिक जो रात को भूखा सोता है उसके लिए है। हम लोग हर युवाओं को रोजगार पहुंचाना चाहते हैं। ये देश पहले भी समृद्ध था, आज भी समृद्ध है, पर कुछ नीतियों ने इसे गरीब बना दिया। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर पूर्वी दिल्ली से नेतृत्व कर वहां से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 10 अप्रैल को जो चुनाव होगा उसके लिए सभी को अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भाई श्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास पुरुष है उनका राज्याभिषेक करें। और साथ ही सभी मीडिया बंधुओं से ये भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस होली के दिवस पर पूरे भारतवर्ष में आप सभी के जीवन में भविष्य रंग बिरंगी हो, इसके लिए कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं कि जी बीजेपी की सभाओं में, नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में इतनी भीड़ क्यों होती है, तो मेरा मन गागा गाने लगता है कि भारत माता है पीड़ा में, भारत माता है पीड़ा में, और ये भीड़ पीड़ा की मूरत है, सारा देश पुकार रहा है बस मोदी की जरूरत है, सारा देश चित्कार रहा है अब बीजेपी की जरूरत है।